नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का तो सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज बात कर रहे हैं उस चीज का जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। जी हाँ, थंबनेल पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ, गेट 2021 का सिलेबस जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। उसमें खुशी की बात यह है दोस्त की बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड भी हुआ है। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। सब्जेक्ट वाइज मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हुआ है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हुआ है। ध्यान से देखते जाना इस वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो ऐड हुआ है दोस्त वो है मैकलोरिन सीरीज। मैकलोरिन सीरीज मतलब आप समझ रहे हो, लाइक वो ई टू दी पावर एक्स, फिर साइन एक्स कॉस एक्स का जो सीरीज होता है ना, फिर वन माइनस एक्स का, या फिर क्या था वो वन बाई वन माइनस एक्स का, ऐसे कुछ सीरीज होता था। तो ये सब जो सीरीजेस है बेसिकली मैकलोरिन सीरीज, तो वो सब चीजें ऐड हो चुका है, ये पहले सिलेबस में नहीं था। नंबर वन। नंबर टू पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चीज ऐड हुआ है, क्या क्या चीज आपको नया पढ़ना है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज ऐड हुआ है जो मैं मतलब एक्सपेक्ट ही कर रहा था काइंड ऑफ की ऐड होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे केस में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है उसमें इस चीज का एप्लीकेशन होता है, दैट इज योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ऑफिशियली नहीं था ये, लेकिन इस बार ऑफिशियली ये है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है भैया ये ऑफिशियली है। बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़ना है जो सिलेबस से बाहर जा चुका है उसके बारे में। तो फर्स्ट जो चीज है वो है स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम। स्टोक्स, ग्रॉन एंड ग्रॉस, गॉस जी ए यू एस एस एंड ग्रीन थ्योरम, ये जो भयंकर भयंकर सा थ्योरम होता था वो आपको नहीं पढ़ना है। अभी छुटकारा मिल गया दोस्त, मजे करो। अच्छा, उसके बाद और एक खुशखबरी है दोस्त कि लैपलस ट्रांसफॉर्म जो है और इसका जो एप्लीकेशन था तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में, वो भी पार्ट गायब हो गया। तो वो भी पार्ट नहीं है अभी। खूबसूरत हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके एक चीज हुआ करता था, ऑल्दो हम पढ़ते नहीं थे वो, तो ये उनको भी समझ में आ गया कि चलो ये बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये हटा दिया गया। बहुत अच्छा गया। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन एंड लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो था यार, अच्छा मेथड था लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आता है उसके लिए बहुत अच्छा मेथड था ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। पर खैर क्या है कि ये सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात है यार कि बोझ कम हो रहा है, बहुत सारे बोझ कम हुआ है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है, यू नो, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन क्या क्या पढ़ना है। तो एंड तक देखो। अभी दोस्त जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक नया चीज ऐड हो चुका है, वह है फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। नाम से बहुत ही गड़बड़ सा भयंकर सा लग रहा है, पर ये कुछ नहीं है दोस्तों। स्प्रिंग टाइप ऑफ जो सिस्टम होता है, स्प्रिंग दिया हुआ है कहीं पे, एक लोड दिया हुआ है, क्योंकि वो जो सिस्टम होता है वही है बेसिकली, ये तुम्हारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जिसके बारे में आपको पढ़ना है। यह है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो कि ऐड हुआ है, जो रिमूव हुआ है। देखिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीजें रिमूव हो गया, खुश एकदम हो गया दिल से मेरा। एक तो है काइनेमैटिक्स ऑफ पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी गया, बिल्कुल जो स्टैटिक्स पार्ट है वही है आपके, काइनेमैटिक्स ऑफ पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी गया। दूसरी बात, ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन चला गया, चलो कोई बात नहीं, ऑयलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन चला गया, इम्पल्स मोमेंटम एनर्जी मेथड्स चला गया, और सबसे घटिया जो चीज लगता था वर्चुअल वर्क वो भी चला गया। तो बहुत ही खुश हूं मैं इस बात से, थैंक यू आईआईटी बॉम्बे। आगे बढ़ते हम, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा निकल के आता है वो है सॉम, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले वो सब जो खराब खराब सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता वो सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है दोस्त, अभी तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो सॉम की बात करते हैं दोस्त, सॉम में जो चीज ऐड हुआ उसके बाद पहले करते हैं, That is your transformation of stresses. Transformation of stress, stress transformation जो होता है आप गूगल में सर्च कर लोगे सारे मेथड निकल के आ जाएगा। Transformation of stresses ये चीज ऐड हो चुका है, तब नहीं बस एक ही चीज है जो कि है थियोरीज ऑफ फेलियर। फेलियर का थियोरीज करके एक चैप्टर हुआ करता था, ऑल दो हम पढ़ते नहीं थे, बट फिर भी ईएससी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट गेट के लिए ये सिलेबस से बाहर करा दिया गया, थियोरीज ऑफ फेलियर्स। अगले जो सब्जेक्ट निकल के आता है दोस्त वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। इसमें से कुछ कुछ चीजें हटा दिया गया है, दैट इज टिम्बर,
बिटुमेन, ये सब चीजें जो कि ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली जो मेरे को मतलब ट्रेंड लग रहा है वो यही है कि उस जो क्या बोलते उसको जो थियोरेटिकल ज्यादा टॉपिक है ना उसको हटा दिया जा रहा है, ज्यादा जो मैथमेटिकल टॉपिक उसको इंक्लूड किया जा रहा है, ऐसे मेरे को पर्सनली लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में मुझे बताइए। ब्रिक मॉर्टर, फिर आपके टिम्बर, बिटुमेन, ये सब जो चीजें हैं ये हटा दिया गया है। फिर टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो चीज होता था ये सब गया मार्केट से, अभी कुछ नहीं है। टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सब ये सब चीजें था गया। फिर रेट एनालिसिस, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, कभी क्वेश्चन आता भी नहीं था इससे। मैं बोलता भी था पिछले बार भी, बच्चों को बोल चुका हूँ कि मत पढ़ो ये, नहीं आएगा क्वेश्चन। तो इस बार आईआईटी बॉम्बे ने सुन ली मेरी बात तो वो हटा दिया गया। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो वहां पे जो चीजें हटा दिया गया है वो है, अच्छा तो सीएमएम में कुछ ऐड नहीं हुआ है तो अच्छी बात है ये। तो मैं वही बता रहा हूँ कि रिमूवल के पल्ला बहुत भारी है दोस्त, तो हमको खुशियां मनानी चाहिए। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स जो है वो उसमें है अल्टीमेट लोड डिजाइन कंसेप्ट्स, अल्टीमेट लोड डिजाइन कंसेप्ट। देयर आर थ्री कंसेप्ट्स फॉर डिजाइनिंग, राइट? वन इज WSM, वन इज LSM एंड द अदर वन इज अल्टीमेट लोड डिजाइन कंसेप्ट। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड डिजाइन कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है, सिर्फ WSM एंड LSM। ठीक है, WSM LSM यही पढ़ना है आपको। अच्छा वैसे भी LSM से ही क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है WSM से तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एंड सेकंड थिंग इज एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शंस एट ट्रांसफर एंड सर्विस लोड्स, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग लोड, सर्विस लोड, ये सबसे क्वेश्चन, ऑल दो आता ही नहीं था गेट में यार। तो अच्छा किया कि गेट में जो चीज एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो ना कि जो चीज आ रहा है ज्यादा, वही चीज सिलेबस में रखा, जो जिससे क्वेश्चन नहीं आता है उसको हटा दिया गया, फालतू चीजों को हटा दिया गया, बहुत अच्छा चीज किया। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आता है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, वो है हमारे सर्वेइंग, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, बहुत खुशी की बात है कि कुछ ऐड नहीं हुआ। और एक चीज जो कि रिमूव हुआ इस बार, अच्छी बात है, दैट इज योर GPS। डोंट गेट मी रॉन्ग, रिमोट सेंसिंग GIS अभी भी है, GPS रिमूव हुआ है, ठीक है, याद रखना इसको। GPS, फिर प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स, एक बार साथ क्वेश्चन आया था ना कुछ सेंसर्स के बारे में, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था तो उसको सिलेबस से हटा दिया गया, अच्छी बात है। एंड विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, GPS को हटाया गया, GIS रिमोट सेंसिंग अभी भी है, याद रखना इसको। बढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, या फिर हाईवे इंजीनियरिंग, आप जो भी बोलो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली जो चीजें हटा दिया गया है वो है जो पहला एक चैप्टर था, आपको याद होगा, हाईवे अलाइनमेंट, ये कैसे वो सब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स था, फिर हाईवे कैसे हम अलाइन करते हैं, ये सब चीजें था जो हम कभी पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उसमें से 10-20 साल से एक क्वेश्चन आता था, पहले पहले आता था, अभी तो नहीं आता था बिल्कुल ही, तो वो चीज़ हटा दिया गया है। एंड सेकेंड इज इंजीनियरिंग सर्वेस, ये भी चैप्टर हम कभी पढ़ते ही नहीं थे, इंजीनियरिंग सर्वेस करके चैप्टर हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, बहुत सारे लोग ऐसे सोचे ऐसे चैप्टर होता भी था, चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे चैप्टर अभी नहीं बताने वाला हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे चीजें चेंज हुआ है दोस्त, ध्यान रखना। तो ये चीजें रिमूव हुआ है, और एक चीजें रिमूव हुआ है दोस्त जो कि रिसेंट टाइम में आपको ट्रेंडिंग भी दिखेगा, मतलब है कि आपको पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन में दिखेगा अभी। मैं जानबूझ के इस बार नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये इस बार नहीं रहने वाला है। तो जो लोग मेरे ऑफलाइन क्लासेस कर चुके हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस कर चुके हैं इस बार के लिए, तो उनको ये चीज़ पता है कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, राइट, डिले स्टडी, ये सब चीज़ें नहीं है इस बार सिलेबस में। अच्छा, और भी एक चीज़ें नहीं है जो कि मैं एक बार पढ़ा दिया था आपको, दैट इज़ योर रोटरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हटा दिया गया सिलेबस में, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं पढ़ाया था। तो रोटरी इंटरसेक्शन, फिर क्लोवर लीफ इंटरचेंज, ये सब जो चीजें होता था, ठीक है, तो ये सब चीजें अभी नहीं है, ठीक है। क्या है नया? नया है ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस जो है ये नया घुसाया गया है सिलेबस में। ट्रैफिक साइंस, जो आपको पता था कि ये साइन वो किसका होता था, वो साइन किसका होता था, त्रिकोण, ये सब गोल, स्टॉप साइन, फिर ऐसा डिफरेंट डिफरेंट साइन होता था, पता ही आपको, तो वो सब जो चीजें है, डेंजर अहिट, ठीक, इस टाइप का जो यू नो साइंस होता था आपको पता ही है, ओवरटेकिंग जोन अहिट। तो जो ट्रैफिक साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा आपको सारे ट्रैफिक साइंस के बारे में पूरा एक बार पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा हुआ है ये कि बहुत सारी चीज़ें गायब हो गए हमारे सिलेबस से, ये चीज़ें आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मुझे पता ही था ये चीज़ पहले से ही दोस्त, एक चीज़ें मेरे को लग रहा था
जब भी मैं ये सुना कि एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग करके एक नया ब्रांच आ चुका है, इस बार लॉन्च हो रहा है, तभी मेरे को एक चीज लग रहा था कि यार एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से सिलेबस घटने वाले, क्योंकि ऑलरेडी एक अलग से डिपार्टमेंट बन रहा है ना, समझ में आ रहा है, एक अलग से पेपर बन रहा है। सो एज एक्सपेक्टेड नॉइज पॉल्यूशन हटा दिया गया है दोस्त। तो नॉइज पॉल्यूशन जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ या फिर जो भी पढ़ चुके हैं मेरे साथ, क्या करें तो नॉइज पॉल्यूशन मत पढ़ना, नॉइज पॉल्यूशन गेट के लिए मत पढ़ना, ईएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए कंपिटेटिव पीएससी स्टेट एक्सेट्रा के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको जारी रखना है अपनी प्रिपरेशन। गेट के लिए आपको नॉइज पॉल्यूशन नहीं पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में दोस्त कोई भी चीज रिमूव नहीं हुआ है, एक चीज सिर्फ ऐड हुआ है, वो है कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, जो कि पहले ईएससी के सिलेबस में पहले ही हुआ करता था, गेट के सिलेबस में नहीं था। लिफ्ट एंड ड्रैग ये चीज पहले ईएससी के सिलेबस में हुआ करता था, अभी ये गेट के सिलेबस में भी आ चुका है। दिस इज नंबर वन। बात करते हैं हम हाइड्रोलॉजी की तरफ। हाइड्रोलॉजी में एक चीज रिमूव हो चुका है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, कि रिजर्वॉयर एंड चैनल राउटिंग, ये चीज राउटिंग में बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होता था, कभी कभी मुझे भी होता था। सो जो भी है जोक्स अपार्ट, कि रिजर्वॉयर एंड चैनल राउटिंग जो है उसको रिमूव करा दिया है, वो है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक जो कि एक हाइड्रोलिक मशीन का एक बड़ा सा पार्ट ऑलमोस्ट रिमूव करार दिया गया है। दैट इज वो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप टर्बाइन, ये सब जो चीज होता था वो अभी नहीं पढ़ना है आपको, वो वेलोसिटी ट्रायंगल बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, मतलब हाइड्रोलिक मशीन आपको छूना ही नहीं है। और वैसे भी ये अच्छी बात है क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन आता ही नहीं था, यू नो, तो हाइड्रोलिक मशीन आपको छूना ही नहीं है। एंड काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लो भी आपको छूना नहीं है, काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लो आपको छूना नहीं है, ठीक है। And hydraulic machine you don't have to read at all. That is hydraulic machine में ये चीज़ मैं बताना चाहता था। करते हैं irrigation की। Irrigation में कुछ चीज़ें add नहीं हुआ है, irrigation में कोई चीज़ें add नहीं हुआ है, irrigation में जो चीज़ें exclude हो चुका है वो है canal regulation works, canal regulatory works। वैसे भी इसका भी मुझे ज़रा सा अंदाज़ा था कि शायद ये नहीं होने वाला है, तो ये जो भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस कर चुके हैं इरीगेशन के इस साल, उनको मैं ये नहीं पढ़ाया हूँ, ओके। तो दैट इज कैनल रेगुलेटरी वर्क्स, कैनल रेगुलेटरी वर्क्स जो है, एंड आउटलेट्स एंड ऑल्सो एस्केप्स, दिस थिंग्स आर नॉट देयर इन गेट 2021 सिलेबस, तो आपको नहीं पढ़ना है, खुद से मत पढ़ो, ठीक है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो। दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट जो हमारे है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की तरफ, सबसे जो हाई वेटेज सबसे ज्यादा जिसका आने वाला है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की तरफ, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या चीजें रिमूव हो चुका है, पहला जो है ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स एकदम पहला एक चैप्टर होता था जो कोई पढ़ता ही नहीं था, तो ये आईआईटी बॉम्बे वालों को भी पता चल गया कि भाई कोई पढ़ता नहीं ये चैप्टर, तो भाई क्यों ही रखे इसको, तो इसको हटा दिया गया ओरिजिन ऑफ सॉइल्स। इसके बाद एक चीज आता था, देखो सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक, सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक इसको हटा दिया गया है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक इसको हटा दिया गया है दोस्त, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक मतलब फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीजें होता था, तो ये चीजें हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है डार्सीज लॉ, डार्सीज लॉ भी हटा दिया गया है, बट वन थिंग जस्ट फॉर सजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, डार्सीज लॉ क्या है बस थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डार्सीज लॉ के ऊपर बेस करके बहुत सारे दूसरे चीज है परमिएबिलिटी चैप्टर में, तो मानो कि कोई दूसरा चीज आ गया, आप ये डार्सीज लॉ नहीं पढ़े तो आपको बोलोगे कि यार डार्सीज लॉ तो सिलेबस में सिर्फ नहीं था, मैं तो ये नहीं बोला था कि बाकी चीज भी नहीं है जो कि डार्सीज लॉ के ऊपर बेस करके है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, तो डार्सीज लॉ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे मेंशन है कि नहीं है, बट स्टिल ये मेरे पर्सनल सजेशन, ठीक है। और एक चीज जो कि निकाल दिया गया है वो है पिछले बार के सिलेबस में था, दैट इज योर स्लाइस मेथड। एक स्लाइस मेथड करके मेथड होता था, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, मेथड ऑफ स्लाइसेस, राइट। वहाँ पे डिफरेंट हम स्लाइस करके एक मतलब फाउंडेशन को स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स निकालते थे, शियर स्ट्रेंथ अपॉन शियर स्ट्रेस ऐसे करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते थे मेथड्स ऑफ स्लाइसेस से, या फिर मेथड ऑफ स्वीडिश सर्कल ऐसे भी कोई लोग बोलते हैं, तो उस चीज को भी हटा दिया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सिविल इंजीनियरिंग चेंजेस। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंपॉर्टेंट, और सारे जितने सारे लोग हैं दोस्त जो कि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं गेट के, सारे अपने दोस्तों में ये सिलेबस जो है, जो चेंज इन सिलेबस है वो बांट दो। अगले वीडियो हम लेके आने वाले हैं दोस्त कुछ ही दिनों में, मतलब बहुत ही तुरंत लेके आने वाले, कि क्वेश्चन पैटर्न में क्या क्या चेंज आया है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और भी क्या क्या चीज़ आपको चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक थम्स अप दे देना, मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है।
और सब्सक्राइब कर लेना जरूर चैनल को दोस्त, क्योंकि बहुत सारे नए अपडेट लेके मैं आने वाला हूँ, आता ही रहूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। स्टे सेफ।